मैंने जो इसमें अलजेब्रे में चैप्टर लिया वो लिया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। वैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर होता है पॉलिनोमियल्स का, बहुत टाइम लगता है उसमें और उस रेशियो में एग्जाम में नहीं आता क्योंकि वो इंट्रोडक्शन है दुनिया भर की। तो एग्जाम में जो आना शुरू होता है वो यहाँ से, हालांकि पॉलिनोमियल में भी जो एचसीएफ वगैरह निकालने को वो आता है जीसीडी, तो वो भी होगा टाइम मिलने पर होगा। पर मैंने सोचा यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ सेकंड से, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स बहुत अच्छा टॉपिक है, मीडियम साइज टॉपिक। पॉलिनोमियल थोड़ा लार्ज साइज, और जितना साइज है उसके हिसाब से एग्जाम में कम आता है। वैसे तो आता है लेकिन साइज जितना लार्ज है उसमें हमें तो पता है क्या क्या कराना है, तो मैं शॉर्टकट में वो भी कराऊंगा। ओके, कंस्ट्रक्ट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन कहता है आप एक क्यूबिक बना के दीजिए। पॉलिनोमियल तो पता ही हो क्या होता है, पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स की पावर एन, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। और इक्वल टू जीरो कर दो तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, और उसको जनरली एफ एक्स से डिनोट करते हैं, एन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ऐसी पॉलिनोमियल बना के दीजिए जिसमें ये प्रॉपर्टी हो। नंबर वन, मोनिक, आपका मोनिक, मोनिक वो होता है जिसमें ये हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो वन हो, तो मोनिक कहते हैं, ठीक है। मोनिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक बनानी है और कैसी होनी चाहिए, मोनिक पॉलिनोमियल। तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, वन इंटू एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री, ये आपकी पॉलिनोमियल है। मोनिक वर्ड बजाय की वजह से मैंने ए नॉट को वन ले लिया, ठीक है। कैसे भी फॉर्मेट में लिख दो, यही क्यूबिक है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। उन्होंने बोला था मोनिक, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज वन इन दिस केस, उसे लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, डेफिनेशन याद करके चलो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वन है, ये है मोनिक का मतलब। अब कहते हैं एफ ऑफ 0 -5, ठीक है। एफ ऑफ 0 आप निकालो तो सही, 0 0 0 a 3 आ गया, समझे। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ 0 -5 a 3 की वैल्यू -5 आ गई, ये वापस पुट कर दो। अब तक एफ एक्स आपका ऐसा बन गया, एक्स क्यूब ए वन एक्स स्क्वायर ए टू एक्स -5, ये आपका एफ एक्स लेटेस्ट सिचुएशन में आ गया है। अब कहता है सम ऑफ रूट्स ए टू, सम ऑफ रूट्स, वैसे तो पॉलिनोमियल रूट्स नहीं होते, पॉलिनोमियल के जीरो जो होते हैं, एक ही बात है, उन्होंने रूट्स लिख दिया। पॉलिनोमियल के जीरो जो होते हैं, इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ रूट्स इज टू, तो हम आपको सम ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दें, फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि सपोज करो आपकी इक्वेशन है ए नॉट एक्स की पावर एन ए वन एक्स की पावर एन -1 ए टू एक्स की पावर एन -2 प्लस डॉट डॉट अप टू ए एन इज इक्वल टू 0। सपोज आपकी इक्वेशन ये है, तो इसके रूट्स बहुत सारे रूट्स होते हैं, α1 α2 α3 α n तक, इसके n रूट्स होंगे, कोई रियल होंगे कोई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन सबको अगर ऐड करें ना तो इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस α n। ध्यान दो, ये होता है -a1 / a0, -a1 / a0 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर वो कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा।
अब दो दो का प्रोडक्ट करो, लाइक अल्फा वन अल्फा टू, अल्फा टू अल्फा थ्री है, अल्फा वन अल्फा थ्री, ऐसे दो दो के जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल है सब का इनकी वैल्यू। तो पहला हो गया माइनस ए वन बाई ए नॉट, दूसरा हो गया प्लस ए टू बाई ए नॉट, अगला प्लस होगा, समझ रहे। अब तीन तीन का प्रोडक्ट सम करो, प्रोडक्ट करो और सम करो तीन तीन का, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, कोई भी तीन, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर, अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव टाइप का और प्रोडक्ट जितने भी पॉसिबल है उन सब की वैल्यू अब होगी। देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस ए थ्री बाई ए नॉट होगा तीन तीन का प्रोडक्ट, प्लस माइनस ऐसे होता है जैसे डिटर्मिनेंट में होता है, ठीक है। अब कर लो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री है अल्फा एन तक, तो ये होगा ए एन बाई ए नॉट, तो मैग्नीट्यूड होगा, और माइनस वन की पावर, इवन ऑड पे डिपेंड करेगा कि टर्म इवन है कि ऑड है, ठीक है। जैसे माइनस वन की शायद पावर एन रहेगी, एन रहेगी, पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन आपकी कैसी। तो ये इन इन फार्मूलों को बीटा फार्मूला कहते हैं, एक मैथमेटिशियन थे बीटा, ये उन्हीं बीटा के फार्मूले, उन्होंने ये इन्वेंट किया था बीटा ने, तो इनको बीटा फार्मूले के नाम से जानते हैं। इस पहले वाले को सिग्मा अल्फा से डिनोट कर देते हैं, ये दूसरे वाले को सिग्मा अल्फा बीटा कह देते हैं, दो दो का है प्रोडक्ट, इसलिए तीसरे वाले को सिग्मा अल्फा बीटा गामा कह देते हैं, एक्सेप्टर। यह है जनरल बीटा फार्मूला, जिनकी जरूरत आपको हमेशा बनी रहती है। अब आपको क्यूबिक के लिए बताता हूं, जैसे ए नॉट एक्स क्यूब, ए नॉट एक्स क्यूब, ए वन एक्स स्क्वायर, ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो है, इनका सम ऑफ रूट्स याद किया जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ए वन बाई ए नॉट। अब दो दो का करो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होगा ए टू बाई ए नॉट, और तीन पर अल्फा बीटा गामा होगा माइनस ए थ्री बाय ए नॉट। इनकी जरूरत आपको पड़ती ही रहती है। इस फर्स्ट वाले को सिग्मा अल्फा कहते हैं, सेकेंड वाले को सिग्मा अल्फा बीटा करें, और थर्ड वाले को अल्फा बीटा गामा, इसमें सिग्मा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिग्मा है ही नहीं, तो बिना सिग्मा के लिखा जाता है, ठीक है। अब फोर डिग्री के लिए यही रिजल्ट कैसा नजर आता है, ए नॉट एक्स फोर, ए वन एक्स क्यू, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इक्वल टू जीरो। इसमें सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अब होगा माइनस ए वन बाय ए नॉट। अब दो 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 का प्रोडक्ट, सिग्मा अल्फा बीटा विल बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, दो दो का प्रोडक्ट काफी लेंदी होता है, कोई राइटिंग में छूट भी सकता है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, तो सारे आ जाएंगे, ध्यान दो। अल्फे को कैच करो, सबके साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा को कैच करो रिमेनिंग के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, बीटा गामा फिर बीटा डेल्टा, फिर गामा को कैच करो रिमेनिंग के साथ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस ए वन बाई ए नॉट प्लस ए टू बाई ए नॉट, ठीक है। अब करिए सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ठीक, तीन तीन का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा बीटा, इसमें एक को ड्रॉप करते हैं, सबसे हार्ड यही होता है बीच वाला, बाकी इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं, एवरी टाइम यू हैव टू ड्रॉप वन, तो ये फोर होते हैं आराम से मिल जाते हैं, ओके। तो पहला हुआ था माइनस प्लस, अब माइनस का नंबर माइनस ए थ्री बाय ए नॉट फॉलो कर रहे, एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा दैट इज प्लस ए फोर बाय ए नॉट,
थ्री डिग्री और फोर डिग्री के मैंने पर्टिकुलर केस आपको लिख के दिए, बीटा फार्मूला है ये, और एन डिग्री का जनरल केस लिख दिया, और टाइम टू टाइम हम लोग इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हिल्डअप हो गए थे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन जब हिल्डअप हो गए तब वो इंट्रोडक्शन तरफ चले गए। ये देखो, तो अब कहता है सम ऑफ रूट्स इज टू, इसके रूट्स का सम, मतलब कि ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्वेश्चन कहता है ये टू है, सम ऑफ रूट्स इज टू, समझे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारी तरफ से हुआ माइनस ए वन बाई वन, ए वन की वैल्यू भी रेडी हो गई, तो एफ एक्स अब आपका लेटेस्ट एफ एक्स हो गया एक्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स माइनस फाइव। अब फाइनली एफ ऑफ वन इज जीरो, उससे आपको ए टू मिल जाएगा और पॉलिनोमियल मिल जाएगी, आंसर आपका मैच कर जाएगा, समझिए। हाँ, तो लास्ट नंबर रह गया, लास्ट फैक्ट टू बी यूज, एफ ऑफ वन जीरो, एफ ऑफ वन कितना हुआ, वन क्यू माइनस टू प्लस ए टू इंटू वन माइनस फाइव ए जीरो, ए टू की वैल्यू आ गई सिक्स। ठीक है, और इस तरह से आपका एफ एक्स एक्स क्यू टू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस फाइव रेडी हो। डाउट पूछो, काफी पॉपुलर क्वेश्चन देखा आपने, 1983 में ये आया था, बाद में 2011 में आया, तो नोट से ऐसे एग्जाम में आता है, और सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर से, नोट्स में नहीं है क्वेश्चन, पेपर से मैंने यहाँ लिख के दिया हुआ, ये 2017 का, ये आपको क्वेश्चन सोल्यूशन सारा बाद में लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाए और बनाते हो बाद में नोट्स, नोट्स नहीं बनाते, नोट्स बनाए अब देख लेना, ज्यादा शॉर्टकट मत कर देना। कंस्ट्रक्ट मोनिक पॉलिनोमियल, फिर मोनिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री कोफिशियंट वन हो, एफ एक्स विद इंटीग्रल कोफिशियंट, मतलब उसके कोफिशियंट क्या होने चाहिए, इंटीजर, सच दैट एफ ऑफ फोर इज सिक्स रूट थ्री प्लस वन इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इतना दिया हुआ। ठीक है, एफ ऑफ फोर की वैल्यू सिक्स दी है, जरूरत पड़ने पर एफ ऑफ फोर को यूज करो, पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं बताया इसमें, ठीक है, कि टू डिग्री कंस्ट्रक्ट करना कि थ्री डिग्री करना, क्या वो लास्ट टाइम बताया तो उसने क्यूबिक बनाई है, अब की बार मोनिक, मोनिक तो कोफिशियंट बना है बस, तो डिग्री का पता नहीं, तो एफ एक्स बना कंस्ट्रक्ट करिए, उसके कोफिशियंट क्या हो, इंटीजर हो, एफ ओ फोर क्या हो, सिक्स हो, एक कंडीशन दी है, वन प्लस रूट थ्री इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ध्यान दो, वन प्लस रूट थ्री इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जब वन प्लस रूट थ्री एक रूट होता है तो एक पॉलिनोमियल की क्वालिटी है कि वन माइनस रूट थ्री विल ऑल्सो बी ए रूट ऑफ दैट इक्वेशन, अगर एक रूट वन प्लस रूट थ्री, क्योंकि ये सर्ट्स है, सर्ट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स प्रोवाइडेड कोफिशियंट्स आर रेशनल, वो इक्वेशन के जो कोफिशियंट्स हैं वो रेशनल होने चाहिए, तो इफ कोफिशियंट्स आर रेशनल देन इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, ये रूल होता है, तो वन प्लस रूट थ्री एक रूट है तो दूसरा रूट उसका वन माइनस रूट थ्री होगा। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, जैसे आपको दो रूट दे दूं मैं अल्फा बीटा, एक इक्वेशन के दो रूट दे दिया आपको अल्फा बीटा, ठीक है, तो वो इक्वेशन पता है क्या होगी, वो इक्वेशन होगी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, अगर मैंने दो रूट दे दिए तो इक्वेशन ये होगी कि नहीं होगी, इसी इक्वेशन के तो रूट्स हैं अल्फा बीटा, ये
हाँ, इसके आगे अगर ए नॉट और लगा दिया जाए तो वो भी रूट्स अल्फा बीटा है, ए नॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एक रूट यहां अल्फा बता रहे हो, दूसरा रूट बीटा बीटा बता रहे हो, तो आपका जो अल्फा एक्स है उसका फॉर्मेट क्या होगा? ए नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा टाइप का फॉर्मेट होगा। इसलिए आप एफ एक्स को ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल अज्यूम कर लो। अज्यूम करने का रीजन पता लगा? ये नहीं पता है अल्फा बीटा रूट है तो ये इक्वेशन होती है। ये तो वो करते हैं 10th वाले उधर कर रहे हैं। हो हाँ तो गया, तो वही तो ही कर रहा है। आपको 2 रूट दिए हुए हैं तो वो ये चीज मैंने यहां लिख दी। 2 रूट दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल क्या होगी? ए नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस। अब 3 रूट दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल होगी ए नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, ओके। तो अभी ये मोनिक है, मोनिक का मतलब ए नॉट की वैल्यू 1 लिखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 होना चाहिए। तो इन्होंने बोला एफ एक्स शुड बी मोनिक, इसका मतलब ए नॉट शुड बी 1। एक बात हो, सो एफ एक्स आपका कुछ ऐसा बन गया, एक्स माइनस अल्फा डाल दो प्लस √3, और दूसरा एक्स माइनस बीटा डाल दो 1 माइनस √3। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके फिर आगे बढ़ो, या बिना मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर ही दो, इतना मुश्किल तो नहीं है। मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करते हैं, क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम कर दो 2x, और इनका सम कर दिया तो 2x है, प्लस फिर प्रोडक्ट कर दो तो वो 1 माइनस 3 माइनस 2x। बाकी आप अपना स्लो कर लो, मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई कर लो धीरे धीरे। वैसे ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हमेशा वही होता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर अल्फा प्लस बीटा, पी फॉर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 लिख दिया, आपका एफ एक्स तैयार हो गया। अभी क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ 4 इज 6, उसी को और यूज कर दो, एफ ऑफ 4 6 होना चाहिए। मोनिक कंस्ट्रक्ट, मोनिक पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, तो एफ ऑफ 4, तो मोनिक में 16 माइनस, वो अपने आप फॉलो कर गया, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। चलो वेरीफाई कर देता हूँ, इधर देखो एफ ऑफ 4 निकालो, 16 -4 2 8 और -2 कितना है? 6। वही क्वेश्चन दे रहा है, तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6 इस क्वेश्चन मेकर ने एक्स्ट्रा दे दिया गलती से। अरे बेटे हमारे पास उसको यूज करने के लिए, मतलब पहले आंसर आ गया हमारा, लेकिन हाँ वो एक्स्ट्रा दे दिया। सो वी गेट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x माइनस। ये मोनिक वर्ड नहीं बोलता तो वो यूज हो जाता एफ ऑफ, तो ए नॉट की वैल्यू उससे आती। मोनिक बोल दिया तो वो हमने ए नॉट 1 कर दिया, 1 कर दिया तो भी मतलब क्वेश्चन सही है, वो सही है, ओनली एक्स्ट्रा कंडीशन इज गिवन। क्या उसको एक्स्ट्रा कंडीशन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कहते हैं ओवर डिटरमिंड, इट इज द सिस्टम इज ओवर डिटरमिंड, देर आर मोर कंडीशन देन रिक्वायर्ड, इट हैपन समटाइम्स। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के इन ऑर्डर दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये सामने क्यूबिक है, 3 डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? 3, और वो रूट्स किस में है? एपी में। तो
थ्री रूट्स इन एपी की कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो उन्हें अज्यूम करें, ए माइनस डी ए कॉमा ए प्लस डी अज्यूम करना है, और वैसा दूसरा वाला अज्यूम नहीं करना, क्या ए ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी वो अज्यूम नहीं करना है, क्योंकि उसमें वो हार्ड हो जाता है, ये इजी है, जब सम करोगे ना तो डी और डी कट जाएगा तो एक रूट आ जाएगा, तो इसलिए ये इजी पड़ता है, वो दूसरा वाला टफ पड़ता है, समझ गए। तो फाइंड के इन ऑर्डर दैट रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एन ए पी, फाइंड रूट्स ऑल्सो, मतलब पहले तो आप k की वैल्यू निकालो, और k की वैल्यू निकल जाए तो रूट भी निकाल के दीजिए, ठीक है। अब देखना इन थ्री रूट्स का सम निकाल, सम यहां से जो आपने अज्यूम किया उसके हिसाब से 3a, और यहां से माइनस सिक्स बाय टू माइनस थ्री, सो वैल्यू ऑफ a इज माइनस, a आने का मतलब समझ पाई, एक रूट आ गया है, वन रूट आपको मिल गया, तो दिस रूट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, उसे k मिल जाएगी, a इक्वल टू माइनस वन इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, तो दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2x³ 6x² 5x + k = 0, सेटिस्फाई करो, रिप्लेस x बाय माइनस वन, तो ये रहेगा माइनस टू, 6 × -1² 5 × -1 + k = 0, k का वैल्यू ऊपर आने के बाद हमारी इक्वेशन तैयार होगी, इक्वेशन इज 2x³ 6x² 5x + 1 = 2, एक तो हमारी इक्वेशन मिल गई, दूसरे हमें एक रूट भी मिला हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस वन इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, फॉलो कर रहे, एक रूट मिल जाए तो रिमेनिंग रूट्स के लिए हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन लगा, मतलब अलजेब्रा बिना उस डिवीजन के चलता ही, तो एक रूट पता लग गया, रिमेनिंग रूट्स बड़े आसानी से माइनस वन साइड में लिख लो, और ऐसा डिवीजन जैसा साइन लगा, x³ का कोफिशियंट, x² का कोफिशियंट, x का कोफिशियंट कॉन्स्टेंट, नीचे एक ऐसी लाइन ड्रा कर दी, 2 तो सिंपली कॉपी कर दो, 2 × -1 वो यहां लिखिए और ऐड करिए, 4 × -1 ऐड कर दो, 1 × -1 हाँ ये रिमाइंडर आ गया, और सप्रेस्ड इक्वेशन, सप्रेस्ड इक्वेशन यहां से रीड कर दो, 2x² ये आ गई रिड्यूस्ड इक्वेशन, क्योंकि 2x² 3 इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक का तो सॉल्यूशन लो करना जल्दी, सो वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन ये रहा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 × 4 = 8 − 2 − 4 − 2 = 4, बस जो भी आ जाए −2 + √2/2, x की 2 वैल्यू दी है और एक आई थी अपनी −1, और −1 के साथ ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, उन्होंने बोला था कि रूट्स भी निकालो और k की वैल्यू निकालो, दोनों कम हुए, ये है क्वेश्चन नंबर 8 2013, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट
एक रिजल्ट इसने दिया, अल्फा इक्वल टू टू बीटा प्लस गामा, फाइंड के एंड हैंस सॉल्व। पहले के निकालो, इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसके सॉल्व करने का ट्राई करो। तो इन्होंने एक रिजल्ट दिया, अल्फा इक्वल टू डबल ऑफ बीटा प्लस गामा। इसी टाइप का रिजल्ट एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको भी आता है, वो है माइनस ऑफ माइनस सिक्स बाय टू। समझे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा थ्री आता, इक्वेशन नंबर वो वन टू थ्री कर दी। ठीक, अच्छा बीटा प्लस गामा की वैल्यू वहां से उठा के यहां लिख दूं, अल्फा प्लस कितना लिख दूं, क्यों लिख दूं, क्योंकि अल्फा एक रूट मिल गया, एक रूट मिल जाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये आ गया थ्री अल्फा बाय टू इक्वल टू थ्री, सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज टू, अल्फा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, सो दिस शुड सेटिस्फाई वन, एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू टू सेटिस्फाइड वन। वन को जब सेटिस्फाई कराने लगे तो आया टू इंटू टू क्यूब सिक्सटीन, माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, प्लस थ्री टू जा सिक्स, प्लस के का वैल्यू टू, के की वैल्यू टू पुट बैक कर दो तो आपकी इक्वेशन टू एक्स क्यूब सिक्स एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन आ गई और एक रूट भी साथ में, अल्फा इज टू, एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू टू इज ए रूट, इक्वेशन का एक रूट भी पता है। फॉर रिमेनिंग रूट्स वी अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन अगेन, ठीक है, तो यूज सिंथेटिक डिवीजन। तो उसके लिए टू को लिखते हैं साइड में, हाँ इक्वेशन सारा दिखते रहा, टू को ऐसे एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड टू, राइट लाइक दिस, देन टू टू जा फोर, माइनस टू टू जा माइनस फोर, माइनस वन टू जा माइनस टू, दिस इज अ रिमेनिंग। सो सप्रेस्ड इक्वेशन इज टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, रिड्यूस्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक, सो कैन बी सॉल्व इजली, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, जो चीज ना पता वो पूछना जरूर तुम और बता दो, टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ट्वेल्व हो गया टू, वन वन प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू, और ऑल द रूट्स के लिए वो टू ए पहले वाला रूट, ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। एक रूट किसी तरह मिलेगा, ये देखो एक एग्जांपल है, 2015 से मैंने उठाया क्वेश्चन नोट्स में, नहीं सॉल्व द इक्वेशन, वन रूट बीइंग डबल द अदर, सॉल्यूशन स्टार्ट्स, एक रूट अल्फा है तो दूसरा टू अल्फा और तीसरा आप बीटा रख लो या गामा रख लो मर्जी, ठीक है, वन रूट बीटा गामा रख लो, अल्फा बीटा गामा का सिंबल अच्छा लगेगा। अब इन्होंने ये आपको दे दिया, अब इससे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है, तो आप निकालो सम ऑफ रूट्स, क्योंकि आपको बीटा फार्मूले आते हैं, बीटा फार्मूले यूज करो, क्योंकि बीटा फार्मूला भी यूज किया भी था पिछले वाले में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला यूज किया था, जिस बीटा फार्मूले वैसे तो तीन होते हैं इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, तीन होते हैं, उनमें से जिसकी जरूरत हो वो यूज करो, राइटिंग सारों की करो, इंटेलिजेंटली यूज करना है। तो एक तो हो गया अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस गामा इज 15 बाय 1, ठीक, एक तो हो गया आपका थ्री अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 15,
अच्छा, अब ये तो सिग्मा अल्फा कहते हैं इसको। अब दो दो का प्रोडक्ट करो, अल्फा इंटू टू अल्फा प्लस टू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो दो का प्रोडक्ट करके सम करो, वो कितना आएगा? माइनस 62/1। फॉलो कर रहे? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आई। ये है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा गामा इक्वल टू 62। समझ गए? 2 अल्फा गामा प्लस 1 मोर अल्फा गामा। अब तीसरी इक्वेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली, ऑल्सो करके प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, अल्फा इंटू टू अल्फा इंटू गामा, वो होगा माइनस प्लस माइनस 72/1। बात समझ गए? आपको किसी तरह एक रूट निकालना है, अल्फा निकाल लो चाहे बीटा चाहे गामा, जो निकल पाए। अब समझो बात को, वहां से गामा आपका है कितना है? 15 माइनस 3 अल्फा। वहां से गामा निकाल के एक चॉइस है, यहां लिख दो, एक चॉइस है यहां लिख दो। चॉइस है गामा फर्स्ट से निकाल के टू में लिख दो चाहे थर्ड में लिख दो। आपने थर्ड को प्रिफर क्यों किया? इजी समझ गए? और इजी है नहीं। 2 अल्फा स्क्वायर गामा की वैल्यू आपके कहने से ये देखो मैंने लिख दी 72। हुआ क्या कि ये अल्फा क्यूब क्यूबिक पैदा हो गई, 3 डिग्री इक्वेशन। तो 3 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, उसके अंदर एक और 3 डिग्री क्रिएट कर ली, एक सॉल्व नहीं हुई एक और क्रिएट कर। आर यू गेटिंग? सो दिस इज नॉट इंटेलिजेंट। इसका क्यूबिक के अंदर, कई लोग क्यूबिक के अंदर 4 डिग्री इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं, यहां नहीं किसी और जगह जनरेट हो रही होती है, तो क्यूबिक तुम पे सॉल्व नहीं हो रही, 4 डिग्री उसके अंदर क्रिएट करके बैठ गए। तो फायदा क्या हुआ? जो मेथड उन्होंने सिखाए होंगे, डिस्कार्ड्स मेथड, कार्डन्स मेथड सिखाए, डिस्कार्ड्स मेथड नहीं सिखाया, फरारी मेथड, वो उसमें 4 डिग्री इक्वेशन होती है। 4 डिग्री इक्वेशन के अंदर अगर इंटेलिजेंटली काम नहीं किया तो 6 डिग्री इक्वेशन पैदा हो जाती है उसके अंदर। तो 4 डिग्री सॉल्व करने के लिए तो इतना सारा तुम स्ट्रगल कर रहे हो, उसके अंदर लैम्डा की पावर 6 वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपने क्रिएट कर ली, वो कहां से सॉल्व होगी? 4 डिग्री तो सॉल्व नहीं हो रही थी इसलिए तंग हुए, लैम्डा में इक्वेशन होती है वहां। तो ठीक है, तो इसलिए कोई फायदा आपको नहीं। इसलिए ये जो आपको हार्ड लग रही है इसी को यूज करो, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, इसमें गामा पुट कर दो, कितना आ गया? 15 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 62। कॉपी देखो ठीक हुआ, कॉपी वर्क सही होना चाहिए। 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा, 15 माइनस 3 अल्फा, गामा मैंने पुट कर दिया। एडवांटेज यह हुआ कि इसमें क्वाड्रेटिक है ये अल्फा में, और अल्फा में क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक में दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया -9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 15 3 जा 45 अल्फा माइनस 62 इज इक्वल टू 0। वी विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन, इजी टू सॉल्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सो वी हैव दिस 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 45 अल्फा प्लस 62 इक्वल टू 0। ठीक है, यस 31 इंटू 14 दो इसके हो गया, इनका सम 45 है। तो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा माइनस 14 अल्फा प्लस 62 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन 7 अल्फा माइनस 31 माइनस 2 कॉमन 7 अल्फा माइनस 31 7 अल्फा माइनस 31 इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू एक तो आई 31/7, एक आ गई अल्फा इक्वल टू। हमारी इक्वेशन काफी अच्छी थी, एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 62x - 72 इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फे की वैल्यू आ गई डबल। तो आप चेक करो कौन सी वैल्यू राइट है, एक राइट एक रॉन्ग भी हो सकती है।
वो दोनों राइट भी हो सकती है, कुछ कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो डिफिकल्ट वैल्यू है ये हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम इजी वाली चेक कर लेंगे। अगर इजी से एक रूट कैच में आ गया तो ठीक है, नहीं पकड़ में आया इसका मतलब 31/7 तो डेफिनेटली इसका रूट आएगा, उसको चेक करने की जरूरत। 31/7 का क्यूब करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए क्या करो, इजी वाला चेक कर लो, और इजी वाला अगर रिजेक्ट हो गया तो दूसरा वाला तो श्योर होगा, उसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आपका वर्क राइट है सारा तो। ठीक है, तो चेकिंग फॉर अल्फा इक्वल टू टू, और अल्फा इक्वल टू टू ट्रू हो गया तो और अच्छा है, नहीं ट्रू हो गया तो दूसरा वाला तो श्योर है, उसको चेक तो हम करेंगे ही नहीं। तो चेक करो, 2 cube 8 15 4 60 2 2 4 2 6 12 -72 = 0। और आप देखिए सही टू, तो अल्फा इक्वल टू टू, ये रूट एक रूट कैच में आ गया, रिमेनिंग को निकलना हम लोग जाते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन और सॉल्व कर, मैं छोड़ सकता हूँ क्या आप? ठीक है ना, कर दूं सारा? यूज सिंथेटिक डिवीजन नाउ, वन कैन, आई थिंक वन कैन डू इट सिंथेटिक, और नहीं तो मैं सिंथेटिक डिवीजन बहुत तो मैं करूंगा डिवीजन एंड डू इट। एक रूट पकड़ में आ गया, क्यूबिक का एक रूट किसी तरह कैच में आ जाए फिर दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर, आज हम इंस्टाग्राम